आर के दद्दू से कुछ ना बन सका तो उन्होंने देशद्रोही बना दी। बहुत फ्लॉप, बहुत डिजास्टर है इनकी मूवी, लेकिन इनको बहुत नाज है अपनी मूवी पे। हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मेटने वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, के आर के दद्दू का एक ट्वीट है जिन्होंने IMDB रेटिंग, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपनी ही मूवी देशद्रोही से कंपेयर किया। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको पता ही है कि राधे मूवी हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। देखो, हेटर्स और ट्रोलर्स को बोलने से नहीं होता दोस्तों। हेटर्स ट्रोलर का बोलना काम है कि मूवी फ्लॉप है, चाहे किसी भी स्टार के हेटर्स हों या ट्रोलर्स हों, वो तो बोलेंगे ही कि मूवी है फ्लॉप। लेकिन के आर के दद्दू से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने अपनी ही मूवी से कंपेयर करेंगे राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। जी हाँ दोस्तों, उनका कहने का मतलब है कि स्टार कास्टिंग बोले तो इतना हाईफाई है, और हमारे स्टार कास्टिंग थी देशद्रोही में बोले तो हमारे के आर के कमाल आर खान थे और मनोज तिवारी थे, बोले तो ग्रेसी सिंह थी, बहुत सारे ऐसे एक्टर थे इसमें, मगर ये मूवी हुई थी डिजास्टर, बोले तो ऑल टाइम डिजास्टर। आज भी इस मूवी को आप देखोगे तो आपको बोले तो आँख बंद करने पे मजबूर हो जाएगी, इतनी घटिया एक्टिंग की थी इन्होंने। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन हिसाब से बोले तो यार मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं, बोले तो IMDB। अरे यार, ये जो रेटिंग होती है, ये जो एप्स है, पता नहीं आज से 10 साल पहले कहाँ छिपा हुआ था, कौन इसका मालिक है पता नहीं मेरे को, लेकिन इसका लोग अहमियत क्यों देते हैं? अरे भाई, इसका कोई अहमियत नहीं। यहाँ पर जाओगे ना, ब्लॉकबस्टर क्या यार, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी का IMDB रेटिंग गिरी रहती है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मूवी फ्लॉप है या हिट है, इस पर आप कॉमेंट नहीं कर सकते हो। तो के आर के दद्दू, हमको आपको यही चीज़ बताना है कि आपकी मूवी जो देशद्रोही थी आज भी लोगों को बहुत पसंद नहीं आती है, क्योंकि इसमें आपकी जो एक्टिंग थी बहुत घटिया थी। तो आप जो बोलते हो कि सलमान खान घटिया एक्टिंग करते हैं, सलमान खान के पास एक्टिंग देखा नहीं है भाई तुम लोग, सलमान खान एक्टिंग अच्छे करते हैं, उसका सबूत है बजरंगी भाईजान। खैर, सलमान खान को लोग पसंद करते हैं बॉडी बिल्डिंग देखने के लिए, और उनका जो स्टाइल होता है एटीट्यूड देखने के लिए, उनका एक्टिंग लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने ट्यूबलाइट में भी एक्टिंग अच्छी की थी लेकिन लोगों को पसंद नहीं आई थी। तो वो समझ चुके हैं कि हमको सिर्फ चाहिए एक्शन मूवी, तो एक्शन मूवी का बाप है अपना बॉलीवुड के दबंग खान। बात की रहा आपका सवाल के आर के दद्दू, आप एक बार देशद्रोही 2 बना दो पैसा खर्च करके, और फिर से आप बोले तो एक साबित करो कि हम भी एक्टर हैं, तब जाने कि आप हो एक्टर। अगर आप में है इतनी हिम्मत तो आप देशद्रोही 2 बना के एक बार दिखा दो सर। बाकी रहा IMDB दोस्तों, इस पर तो मैं एंग्री करता ही नहीं हूँ, इस बातों पर मेरे को विश्वास ही नहीं है। तो आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।